अरे भाई फैन आया हमारा। ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। वंस अगेन आई एम बैक, दिस इज माय स्टाइल ऑफ इंट्रो। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं जसपुर नगर छत्तीसगढ़, और आज हम लोग आए हैं गाइज जो कि जसपुर नगर से ऑलमोस्ट बोलेंगे तो 6 से 7 किलोमीटर जो लोरो घाटी पड़ता है, वहाँ पर एक बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत शिव जी का मंदिर बना है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं एक्चुअली, अभी हम लोग आ रहे थे तो बहुत ही मौसम खराब था गाइज, और बहुत जगह लाइटिंग भी हुई है, बारिश बीच बीच में आए। बाय द वे हम लोग अभी बाइक में आए हैं और हमारा गाड़ी देखिए अभी पहुंच रहा है, ये रहा हमारा BRB। तो पूरा फुल फैमिली के साथ हम लोग आए हैं, हम लोग 3 बाइक है और 1 BRB है। तो बाय द वे 1 स्कूटी है, 2 बाइक है। तो हम लोग दर्शन करेंगे, बहुत ही फेमस है गाइज, यहाँ का वायरल भी हो रही थी, बहुत ये प्लेस वायरल हो चुकी है। तो हमें चाहा कि चलिए हमारा रांची झारखंड वासी को भी दिखाया जाए, और भी जो हमारे व्यूअर्स जो अलग स्टेट्स देख रहे हैं उन्हें भी दिखाया जाए। तो चलिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं गाइज ये ब्यूटीफुल प्लेस। फर्स्ट प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल एंड बोलिए ओम नमः शिवाय। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप फल खरीद सकते हैं, मीन्स प्रसाद खरीद सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रोड के साइड से। तो चलिए गाइस, तो गाइस आप यहां से प्रसाद खरीद सकते हैं और यहीं से हमें मंदिर की ओर जाना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो अगर आप जसपुर की तरफ से आ रहे तो आपके ये लेफ्ट साइड पड़ेगा, और यहीं से हमें मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। सो देख सकते हैं इसका रास्ता इधर आने का, जैसे आप इधर लोरो घाटी से आइएगा देख सकते हैं, ये आपको लोरो घाटी देखते उधर रोड में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप उधर से आइएगा कुंकुरी होकर तो अलग पड़ेगा, लेकिन जसपुर सिटीज में बता ना, लोरो घाटी जैसे पहुंचिएगा वहाँ पर एक पहले मंदिर था, तो वही मंदिर से रास्ता कच्चा रास्ता से निकलेगा यहाँ से रोड से, और ये रास्ता इस टाइप देखने को मिलेगा। पार्किंग का बहुत ही जगह है और बहुत ही बेहतरीन शिव जी का यहाँ पर देख सकते हैं, शिवलिंग टाइप से बनाया गया है पूरा आकार, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये लगा दिया गया है किसी के पास गाड़ी नहीं घुसा जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पास से जाके, तो देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ है आपको देखने को मिलेगा, बाय द वे पूरी पहाड़ यहाँ इस इलाका पे, और बहुत सारे देख सकते अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो दिस इज अ वायरल प्लेस, सोचे हम लोग भी। इस मंदिर का नाम क्या है भाई? लोरो धाम। देख सकते हैं हर तरह का सब धाम का देख सकते हैं यहाँ पर, जो 12 का जो ज्योतिर्लिंग है टोटल भगवान का, उनका पूरा नाम दर्शाया गया, देख सकते हैं पूरा देख लीजिए। तो देख सकते हैं इधर पूरा पहाड़ है, देखने क्या खूबसूरत दिख रहा है गाइस, देख लीजिए पूरा घाटी है, ये पूरी घाटी है देख लीजिए ये, अब देखिए यही है पूरा घाटी आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपको सामने से दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए चलिए मैं अंदर चलते हैं, हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं दैट साइड। चलिए इधर क्या सर, चलिए मैडम दर्शन आपको देखेगा मंदिर का, और ये रहा आपका मेन शिवलिंग। जैसा मैं आपको बताया, ये जसपुर से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और बहुत ही अभी तो और ज्यादा भीड़ हो चुका है। महादेव का नाम से कमेंट कीजिएगा,
हर हर महादेव का पूरा जयकारा लगा दीजिए। तो मैं आपको लोकेशन फिर से बता देता हूँ, तो लोकेशन में आपको दिखा दे सकते हैं, यही घाट रोड है लोरो घाट वाली, और यहाँ पर पहले भी एक मंदिर हुआ करता था, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे उसके जस्ट बगल में ही अब ये बनाया गया। तो मैं आपको कैमरा राउंड अप करके भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। और गाइस मतलब एड्रेस की वजह से लोरो धाम से नाम फेमस है, ये पूरे लोरो घाटी में पड़ती है। मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पूरा भव्य प्लेस है और भव्य दर्शन भी कीजिए गाइस। एज आई टोल्ड गाइस, जैसे लगता है ये एड्रेस से जसपुर वाले लोग बहुत फैमिलियर होंगे। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये लोरो घाट का जो घाटी है, और वो रोड कहाँ जाता है सुनो, कुंकुरी, वो कुंकुरी दुलदुला होकर वो रोड जाता है, मांझा टोली निकालता डायरेक्ट। तो ये रोड से आप फेमिलियर होंगे जो भी यहाँ के आते थे, क्या खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हाँ तो वो रायपुर वाला रोड है, मतलब मांझा टोली होकर जाइएगा तो रायपुर डाइट निकलता है गाइस, बाय द वे जो दूर वाले लोग हैं उसे बताने के लिए। और क्या खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए गाइस, वाओ मतलब बहुत ही बेहतरीन। और शिवलिंग जी मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, दर्शन कीजिएगा, दर्शन कीजिए, हर हर महादेव का नारा लगाइए। ऊपर में जैसे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोग फोटोज आके लेते हैं। देखिए पूरा पूरा क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, पूरा देख सकते हैं, पूरे आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरा यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पर पहाड़ है, पूरी पहाड़। देखिए मैं राउंड आपको दिखा देता हूँ, कितना हाइट का है यार शिवलिंग है, देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है। ट्राई करता हूँ थंबनेल्स के लिए फोटो लेने के लिए इधर से ही, तो देख सकते हैं गाइस। अब हम लोग यहाँ से दर्शन कर चुके हैं खुद फैमिली, टाइम ऑलमोस्ट कितना बज रहा है, टाइम हो रहा है 4:45 बज चुका है गाइस। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं दर्शन करके, और अभी जरूर विजिट कीजिए, प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज डू फॉरगेट। अरे भाई फैन आया हमारा, एंड प्लीज सब्सक्राइब गाइस, एंड जयकारा भोलेनाथ का कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए, बाय।